नमस्कार, मैं हूँ सोनिया राणा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आपको बता दें, आज खेल प्रेमियों के लिए किसी त्यौहार के दिन से कम नहीं है। आज देश में ओडीआई वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप में विभिन्न देशों की 10 टीमें हिस्सा ले रही है। 10 टीमें होगी, 10 ग्राउंड होंगे, 46 दिन होंगे और 48 मैच होंगे। इस तरह से आईसीसी ने पूरे ओडीआई विश्व कप का समीकरण तैयार किया है। इस बार भारतीय जमीन पर ओडीआई विश्व कप का आगाज हो रहा है, तो भारतीय टीम पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक तो यह उनका घरेलू मैदान है, ऊपर से भारतीय टीम में 2 सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका ये दूसरा वर्ल्ड कप होगा। हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। ऊपर से भारतीय टीम ओडीआई में नंबर 1 की रैंकिंग पर है, इसलिए सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारतीय टीम से बड़ी उम्मीदें हैं। आपको बता दें, 2011 में धोनी की कप्तानी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जिसके बाद से लेकर अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। नई T20 वर्ल्ड कप जीता है और अब ये ओडीआई वर्ल्ड कप है, इसको लेकर सभी को भारी उम्मीदें। वहीं आईसीसी ने इस बार सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ सचिन तेंदुलकर ने आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी का आगाज किया और सभी टीमों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस बार ओडीआई विश्व कप में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इस बार वेस्टइंडीज हिस्सा नहीं ले रही है। 10 टीमों में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें हैं और सभी ट्रॉफी जीतने की दावेदारी पेश करेगी। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।